स्टीरियो सब सिस्टम के बारे में बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब रेडियो सब सिस्टम के बारे में, तो इस रेडियो सब सिस्टम को शॉर्ट में नाम दिया गया है RSS, ठीक है। इस रेडियो सब सिस्टम में सारे रेडियो स्पेसिफिक, सारे के सारे रेडियो स्पेसिफिक एंटिटीज मौजूद होते हैं, जैसे कि एक हो जाता है मोबाइल स्टेशन, ठीक है, जैसे कि एक होता है मोबाइल स्टेशन, यानी कि आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं MS, ठीक है। रेडियो सब सिस्टम में MS के अलावा एक और जो दूसरा कंपोनेंट मौजूद होता है वो होता है BSS, यानी कि बेस स्टेशन सब सिस्टम, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। ये जो दोनों कंपोनेंट होते हैं, यानी कि मोबाइल स्टेशन और बेस स्टेशन सब सिस्टम, ये दोनों रेडियो स्पेसिफिक एंटिटीज होते हैं। यदि आप एक कनेक्शन देखें बिटवीन द रेडियो सब सिस्टम और NSS, यानी कि नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम, तो इनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो एक तरीके से होता है वाया द ए इंटरफेस, ठीक है। अब इस ए इंटरफेस को डिस्प्ले करने के लिए या फिर प्रदर्शित करने के लिए यूज़ होता है एक सॉलिड लाइन, ठीक है, एक सॉलिड लाइन यूज़ होता है। जबकि एक और कनेक्शन जो GSM सिस्टम आर्किटेक्चर में मौजूद होता है वो होता है रेडियो सब सिस्टम RSS और OSS के बीच में। यहाँ पर OSS का मतलब है ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, तो रेडियो सब सिस्टम और ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस होता है जिसे हम बोलते हैं ओ इंटरफेस। इस ओ इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है डैशेड लाइंस यूज़ होता है, ठीक है। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि रेडियो सब सिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक है मोबाइल स्टेशन और दूसरा होता है इसमें बेस स्टेशन सब सिस्टम। तो आइए अब हम यहाँ पर बेस स्टेशन सब सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बेस स्टेशन सब सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं BSS, ठीक है। तो जब भी हम बेस स्टेशन सब सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि एक GSM नेटवर्क में, बहुत सारे बेस स्टेशन सब सिस्टम क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इन बेस स्टेशन सब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है एक बेस स्टेशन कंट्रोलर यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे पास बेस स्टेशन सब सिस्टम होते हैं सभी को कंट्रोल किया जाता है बाय ए बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है। अब ये जो बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है ये किस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, देखिए, जो भी हमारा बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है ये उन सारे नेसेसरी फंक्शंस को, जो बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है ये उन सारे बेसिक नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिनसे कि मेंटेन किया जा सके रेडियो कनेक्शन को, और ये रेडियो कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं आपके मोबाइल स्टेशन से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि विद द हेल्प ऑफ बेस स्टेशन सब सिस्टम्स आप ऐसे सारे नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो जिससे कि आप मोबाइल स्टेशन तक रेडियो कनेक्शन को प्रॉपर वे में कनेक्ट रख सको। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन बेस स्टेशन सब सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो होता है डिकोडिंग ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस को डिकोड करना और कोडिंग करना दोनों का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेस स्टेशन सब सिस्टम। इसके अलावा
रेट एडेप्टेशन टू और फ्रॉम वायरलेस नेटवर्क पार्ट के लिए ये मैनेज होता है विद द हेल्प ऑफ बेस स्टेशन सब सिस्टम। यदि हम इसी का और डीप कनेक्शन देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक बेस स्टेशन कंट्रोलर के अंतर्गत जो भी हमारे पास बेस स्टेशन सब सिस्टम होते हैं इनमें मल्टीपल बेस ट्रांसीवर स्टेशंस मौजूद हो सकते हैं। इसको एक बार फिर से हम समझते हैं। एक बेस स्टेशन कंट्रोलर के अंतर्गत हो सकता है बेस स्टेशन सबसिस्टम। इस बेस स्टेशन सबसिस्टम में बहुत सारे बेस ट्रांसीवर स्टेशन मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेस स्टेशन कंट्रोलर के बारे में। देखिए, जो बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है ये प्रोवाइड कराता है सभी तरह के कंट्रोल फंक्शंस। बेस स्टेशन कंट्रोलर प्रोवाइड कराता है सारे तरह के कंट्रोल फंक्शन। इन कंट्रोल फंक्शन के साथ साथ यह प्रोवाइड कराता है फिजिकल लिंक। ठीक है, फिजिकल लिंक किनके बीच में फिजिकल लिंक? मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बेस ट्रांसीवर स्टेशन, इनके बीच में फिजिकल लिंक प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है इसे? बेस स्टेशन कंट्रोलर। जो बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है वो प्रोवाइड कराता है सारे कंट्रोल फंक्शंस और फिजिकल लिंक्स बिटवीन द मोबाइल स्विचिंग सेंटर एंड बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ठीक है, यदि हम और बात करें बेस स्टेशन कंट्रोलर के बारे में तो यह जो बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है यह एक तरीके का हाई कैपेसिटी का स्विच होता है। बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या होता है? यह एक हाई कैपेसिटी का स्विच होता है। और यह स्विच किस तरीके के फंक्शंस प्रोवाइड कराता है? यह स्विच जो है कुछ ऐसे तरह के फंक्शंस प्रोवाइड कराता है जैसे कि हैंडओवर के अलावा यह कुछ और फंक्शंस प्रोवाइड कराता है जैसे कि सेल का कॉन्फ़िगरेशन डेटा। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, पावर लेवल्स। ठीक है, यह जो कंट्रोल ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर लेवल्स होता है यह बेस ट्रांसीवर स्टेशन में होता है और यह पॉसिबल होता है थ्रू द बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ बेस स्टेशन कंट्रोलर्स होते हैं इन्हें सर्व्ड किया जाता है या फिर इन्हें सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है किसके द्वारा? मोबाइल स्विचिंग सेंटर के द्वारा इन्हें डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रेडियो सब सिस्टम का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है बेस ट्रांसीवर स्टेशन। इसे हम बोलते हैं बेस ट्रांसीवर स्टेशन। यह बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो होता है यह रेडियो इंटरफेस को हैंडल करता है। बेस ट्रांसीवर स्टेशन रेडियो इंटरफेस को हैंडल करता है। किसके लिए हैंडल करता है? मोबाइल स्टेशन के लिए हैंडल करता है। एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन एक रेडियो सेल को फॉर्म कर सकता है, एक रेडियो सेल को बना सकता है, या फिर यह बेस ट्रांसीवर स्टेशन सेक्टराइज एंटीनास को यूज़ कर सकता है। यानी कि जब एंटीनास को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है तो उन सेक्टराइज एंटीनास का यूज़ बेस ट्रांसीवर स्टेशन कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन सेक्टराइज एंटीना की मदद से बेस ट्रांसीवर स्टेशन सेक्टराइज एंटीनास
की मदद से कनेक्टेड हो सकता है मोबाइल स्टेशन के साथ, ठीक है, मोबाइल स्टेशन के साथ। और इसके लिए, इस कनेक्शन पर्पस के लिए, जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है वो यूज़ करता है यूएम इंटरफेस को, ठीक है। यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन मोबाइल स्टेशन से कनेक्ट होने के लिए एक यूएम इंटरफेस को यूज़ करता है, और यही बेस ट्रांसीवर स्टेशन बेस स्टेशन कंट्रोलर से कनेक्ट होने के लिए एबिस इंटरफेस को यूज करता है। जब भी हम बात करते हैं यूएम इंटरफेस के बारे में, तो इस यूएम इंटरफेस में वो सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। यूएम इंटरफेस में सारे मैकेनिज्म्स अवेलेबल होते हैं। किसके लिए अवेलेबल होते हैं? वायरलेस ट्रांसमिशन, जैसे कि TDMA, FDMA, इनके लिए क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है, ये होता है रेडियो इक्विपमेंट। बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो होता है वो होता है रेडियो इक्विपमेंट, जिसमें कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है एक रेडियो इक्विपमेंट जिसमें कि ट्रांसीवर्स और एंटीनास, ट्रांसीवर और एंटीनास दोनों मौजूद होते हैं, जिससे कि नेटवर्क के हर सेल को सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है। यदि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ बेस ट्रांसीवर स्टेशन मौजूद हो हैं, तो इस बेस ट्रांसीवर स्टेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है बाय बेस स्टेशन कंट्रोलर। ग्रुप ऑफ बेस ट्रांसीवर स्टेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है बाय बेस स्टेशन कंट्रोलर्स।